हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग और आप सभी को जय श्री श्याम। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ दीदी को लेने, क्योंकि वो एक मुसीबत में पड़ गई हैं कि वो भाई आ रही थी सही या मेरे से मिलने पर उनको ऑटो वाले ने थोड़ा सा दूर छोड़ दिया है। तो वो देखिए, वो दिख रही हैं दीदी, इनको बहुत ज़्यादा आगे उतार दिया था ऑटो वाले ने और मेरे को रोड क्रॉस करके आना पड़ा इनको लेने के लिए। अब बताओ, यहाँ खंडेलवाल था ढाबे के, यहाँ जहाँ पे हम खाना खाना आते हैं ना, वहाँ वहीं पर उतारा इनको, वहाँ पे खाना। दीदी भूल गई रास्ता, दीदी भूल गई रास्ता, ऑटो वाले तो चलो भाई चलते हैं। अब घर पे मिलते हैं आपसे। और प्रभु की स्कूल की छुट्टी हो गई है ना, तो हम लोग उसको घर पे ले जाने के लिए भी आ गए, रास्ते में से ले लेंगे उसको। उन्होंने पढ़ाई करी थी क्या? वाह यार, अच्छा लगा क्या? हम भैया बच्चों को लेने आ गए, ब्रगु को ले लिया हमने स्कूल से। हैं ब्रगु? वाओ, ब्रगु को क्या मिला, क्या मिला? हे जीजी को भी देना, जीजी को भी देगा। अरे वाह, आ गई है ममता जी, थक गई है, अभी खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दीदी का और मेरा खाना, क्योंकि दीदी का फ़ोन आ गया था तो उन्होंने बोला था भाई मैं आ ही रही हूँ, तो मुझे लगा कि दीदी आ जाएंगी तो फिर साथ में ही खाना खा लेंगे। तो मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है और इस टाइम पे टाइम हो गया था लगभग 12:30 का टाइम है। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से खाना लगा लेती हूँ। खाने में मैंने बनाई है दाल चावल और चपाती, ज़्यादा कुछ नहीं और बनाया है। और मुझे पता ही नहीं था कि दीदी अभी आएंगी, पर उनका फ़ोन आया लास्ट मतलब 11:30 समथिंग ही कि मैं आ रही हूँ। तो फिर मैंने कहा लो चलो दीदी के साथ ही खाना खा लेंगे। तो स्पेशल अभी कुछ नहीं बनाया, सिर्फ दाल चावल बनाए हैं। और हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। और ब्रगु भी देखिए, उसने अपने डेली की ड्रेस पहन ली है, मतलब वो बनियान में ही घूम रहा है, क्योंकि जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं ना, उनको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो बच्चों को लगता है थोड़ा सा देर वो रिलैक्स करें। तो यहाँ पर हम दोनों बहनों की बातें चल रही हैं, क्योंकि जब भी दो बहनें मिलती हैं ना, तो उनके पास जो मतलब बातों का खजाना होता है बहनों के पास में, तो हम लोग बैठ के भी बातें बातें कर रहे हैं। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट शाम के, और मैंने यहाँ पर कर ली है खाने की तैयारी। हेलो एवरीवन, मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल और बाटी। मेरी हालत देख सकते हैं आप, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं मतलब चोटी भी नहीं करी है अपनी, बाल भी नहीं बनाया अपने, बनाऊंगी मैं। पहले बना रहे हम खाना, और खाना हम जल्दी बना रहे हैं, और बना किस लिए रहे जल्दी ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आज खाने में है दाल बाटी और साथ में है मिर्ची के टपोरे, जो मैं हमेशा बनाती हूँ। मैं पहले लहसुन की चटनी का सोच रही थी कि बना लूँगी, पर दीदी ने ही मना कर दिया कि भाई अभी सावन का टाइम है ना, तो दीदी थोड़ा लहसुन प्याज अभी कम ही खा रही हैं। तो फिर मैंने लहसुन की चटनी नहीं बनाई, सिर्फ दाल बाटी और मिर्ची के टपोरे यही बनाए हैं। तो फटाफट से मैं अपनी बाटियों को गोल गोल कर रही हूँ यहाँ पर, और दाल में अभी तड़का नहीं लगाया है, और साथ के साथ दीदी से भी बात ही कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा तड़का हो गया है तैयार, इसमें मैं डाल दूँगी अपनी उड़द और चने वाले दाल, जो मैं हमेशा ही बाटी के साथ में बनाती हूँ, क्योंकि यही वाली दाल हमें अच्छी लगती है दाल बाटी के साथ में। तो बस यहाँ पर इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए, फिर मैं अपने गैस को भी कर दूँगी बंद। और एक तरफ देख सकते हैं आप, मेरी बाटियाँ भी सिक करके तैयार हैं, तो बस मैंने उलट उलट और पलट कर दूंगी, क्योंकि बाटियों को थोड़ा सा ध्यान से सेकना पड़ता है। तो बस मेरी बाटी सिक गई। तो मैं हो गई हूँ अभी तैयार, और खाना मैंने कर लिया है रेडी। दीदी आई हुई हैं, तो मैं आपको बता रही थी ना कि भाई एक रीज़न है इसके चलते हम जल्दी बना रहे हैं खाना। तो रीज़न ये था कि मैं सोच रही हूँ दीदी को थोड़ा सा घुमा लाऊँ यहीं पास में ही। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाएँगे, तो हो सकता है पास में मंदिर चले जाएँ, या फिर पास में एक शॉप है वहाँ पर घूम आए देख आए ऐसे ही। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि भाई खाने से फ्री हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा घुमाएंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद क्या दीदी को जाना भी है, फिर वो चली जाएंगी। तो मैं अभी खाने वाना बना करके बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, अब हम जाएंगे घूमने के लिए। तो भाई मंदिर तो हम गए नहीं, हम आ गए हैं यहाँ शॉप पर, और ये है साड़ी की शॉप, जो थोड़ी सी दूर पर ही है, जहाँ पर मैं पहले माया दीदी को लेके आई थी ना शॉपिंग कराने के लिए, वही ये शॉप है।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभी सावन स्पेशल लहरिया, तो काफ़ी सारी वैरायटी थी तो बस वही देखने में लग रहे हैं, क्योंकि दीदी को पसंद आएगा, दीदी ले लेंगी, मुझे अच्छा लगेगा मैं ले लूँगी। पर मैंने स्पेशली कोई सा भी लहरिया सच बताऊँ नहीं लिया है। तो फिर यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत साड़ियाँ भी देखी, तो देख सकते हैं आप ये साड़ियों की डिज़ाइन है। तो साड़ी तो हमको कोई सी भी अच्छी नहीं लगी, फिर अगेन हमने वापस से थोड़े बहुत जो लहरिया हैं वो देखें, तो पर देखिए ये तो सिर्फ साड़ियाँ ही हैं। तो साड़ियों के डब्बे डब्बे वाली साड़ियाँ जो होती है ना, ये बताई थी कैटलॉग वाली इन भैया ने। तो फिर वापस से हमने लहरिए ही देख लिए, और देखिए इस वाली डिज़ाइन में ना काफ़ी सारे कलर थे लहरिए में, तो फिर हमने इसमें से एक लहरिया पसंद कर लिया, दीदी ने ले लिया, और फिर हम आ जाएंगे घर पर। तो घर पे आने के बाद लगा ली है मैंने थाली, थाली में है दाल बाटी मिर्ची कट पोरे और नींबू, तो मैं यहाँ पर दीदी को कर दूँगी सर्व, और फिर अपने लिए भी लगा लूँगी खाना, क्योंकि कि आप जाएंगी दीदी वापस से घर पर, तो फटाफट से पहले हम खाना खा लेते हैं अभी। तो भाई अभी बज गए हैं शाम के 7:15, और दीदी का जो है ऑटो आने वाला है अभी, और अभी हम लोगों ने जस्ट खाना वाना खाया है, खाना हमने खा लिया है, दीदी को खाना खाया है क्योंकि और ये नालायक शैतान खोपड़ी जब से आया दीदी आए जब से उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, उसको परेशान करने में लग रहा है नालायक कहीं का गंदा बच्चा। कौन सी मूर्ति है बता दे, माला मसूरी हम जाते हैं, इनको बिठा के आते हैं अभी ऑटो में, बाय कर दो बाय। तो यहाँ पर दीदी चल दी हैं, और पूजा ने ही ऑटो बुक करवा दिया था दीदी के लिए, तो दीदी का ऑटो क्या है थोड़ी सी दूरी पे जाके रुका था। कभी भी हम लोकेशन डालते ना तो सही नहीं डल पाती है, थोड़ी सी दूसरी वाली गली की डल जाती है, तो बस ये आ गया है दीदी का ऑटो, दीदी चली जाएंगी। लेके आ गई हूँ हम बच्चों के लिए आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए पैसे दे के गए थे दीदी बच्चों के लिए स्पेशली, कि भाई इनको आइसक्रीम ज़रूर खिलाना, तो बच्चों के लिए मैं आइसक्रीम ले आई हूँ। लेके आ गई हूँ मैंगो डॉली, क्योंकि ब्रगू को यही पसंद है, तो ब्रगू खा लेगा। हमारा ब्रगू बैठ गया है आइसक्रीम खाने के लिए। हाँ ब्रगू कैसी लगी, ऊपर से खाओ। ये देखिए हमारी मिष्टी भी खा रही है आइसक्रीम, मिष्टी बोल रही, मुझे तो दिखाया ही नहीं है, मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने इस मैं भी खाऊंगी आइसक्रीम, मेरी भी रखी हुई है पिघल है, उससे पहले मैं खा लेती हूँ, और देखिए कितने पसीने ही पसीने आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि गर्मी के चलते कुछ करने का मन ही नहीं करता है, मैं फटाफट से अपनी आइसक्रीम खा लेती हूँ इससे पहले कि वो पिघले। चलिए बाय बाय।